Good morning, students. I am Rishin, your IT teacher. So, it is your chapter first, lecture second. So, in this video, we discuss about fundamental of computer. So, in the previous class, we learn about processing memory, type of computer, who is the father of computer, and many things. In this video, we continue the last video. So, before starting the video, I request to all of you, please hit the subscribe button and bell icon also. It is free for you. Let's start the class. You see in the screen, your first point is inside the computer. So, student, जब भी हमने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो हम लोगों के मन में कंप्यूटर देखा होगा तो हम लोगों के मन में लालसा होगी इस चीज को जानने की कि हमारे कंप्यूटर या सीपीयू के अंदर ऐसा क्या होता है जो इतना ज्यादा या इतने बेहतर तरीके से काम करता है. तो इस डिफिनेशन में या इस पॉइंट में हम इसी चीज को सीखेंगे. तो मैं एक पिक्चर को शो करता हूँ. दिस इज द डायग्राम ऑफ सीपीयू. अब बहुत से लोग इसे सीपीयू बोलते हैं लेकिन ये आपका सीपीयू नहीं होता है. एक्चुअली में इसे हम बोलते हैं सीपीयू केस, कैबिनेट ऑफ सीपीयू भी बोलते हैं. आपका जो प्रोसेसर लगा होता है, मेनली जो प्रोसेसर लगा होता है उसी को हम सीपीयू बोलते हैं. अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं और देख लेते हैं कि एक्चुअली में सीपीयू क्या है और प्रोसेसर क्या है. सॉरी आपका सो हम यहाँ पे सर्च करते हैं सीपीयू. अब देखिए इसकी हम निकालते हैं इमेजेस. ये देखिए ये चीज जो है ये आपका कहलाती है सीपीयू. ये है सीपीयू, इसको बोलते हैं सीपीयू केस. यानी कि एक केस जिसके अंदर आपका सीपीयू इनबिल्ट होता है या रखा होता है उसको ही सीपीयू बोलते हैं. बाकी ये होते हैं सीपीयू आपका, इसी को बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ये छोटी सी जो चिप होती है माइक्रोप्रोसेसर कहलाती है. ये होता है हमारा सीपीयू. और ये हमारे इस जगह, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं आसानी से कि इस जगह पर इसको रखा जाता है, मदरबोर्ड में हमारे इस जगह पर स्टेबल किया जाता है. सो वी टेक नेक्स्ट. अब प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने फोटोज देखी थी उस फोटोज में हमने यहाँ पे बता दिया था ये आपका मेमोरी स्लॉट है, ये आपका SMPS है. SMPS ये आपके पूरे कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसके पावर, उसमें पावर सप्लाई करता है. और आपका SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई. स्विच मोड पावर सप्लाई या आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कई सारे वायर्स लगे हुए हैं. अब ये वायर्स क्या करते हैं, हर एक कंपोनेंट को प्रॉपरली एक वे पे पावर सप्लाई करते हैं. ये फैन लगा हुआ है, ये वो फैन है जो आपके सीपीयू को ठंडा रखता है, वहाँ पर धूल मिट्टी नहीं पहुँचने देता है. ये आपके पोर्ट्स हैं, इनको हम पोर्ट्स बोलते हैं. ये जो पोर्ट है यहाँ पर हम अपना VGA केबल लगाते हैं, यहाँ पर हम अपने वो USB पोर्ट वाले जो हैं मॉनिटर सॉरी कीबोर्ड और माउस को लगाते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. तो हमारे कंप्यूटर के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं. ये देखिए ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है कम्पैक्ट, ये जो कम्पैक्ट डिस्क है हमारी, ये है पावर सप्लाई, यानी कि वो जो SMPS है हमारा पावर सप्लाई यूनिट. यहाँ पर ये लगी है हमारी हार्ड डिस्क, ये यहाँ पर ये जो ऐसे इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई है. ये फैन होता है, इसको फैन बोलते हैं. और मदरबोर्ड, ये पूरा टोटल मदरबोर्ड होता है. सो अभी मदरबोर्ड भी दिखा देंगे हम. सॉरी वेट अ मिनट. सो नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोनेंट. कंपोनेंट, अब कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से पार्ट हैं. तो इसमें सबसे पहली चीज आती है मदरबोर्ड. अब मदरबोर्ड क्या होते हैं, तो अब मदरबोर्ड क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन कंपोनेंट या सबसे मेन पार्ट जो होता है हमारे सीपीयू के अंदर स्टेबलिश्ड होता है, उसी को हम मदरबोर्ड कहते हैं. अब जैसा आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे पिक्चर को, ये आपका मदरबोर्ड होता है. यहाँ पर आप देखिए ये आपका लगा हुआ है रैम स्लॉट, ये आपका रोम है, यहाँ पर आपका प्रोसेसर लगा हुआ होता है, ये आपके चिप वगैरह हैं, आपके पोर्ट्स वगैरह हैं, ये आपके पोर्ट हैं यहाँ पे जहाँ पे आप सीपीयू सॉरी ये जहाँ पर आप कीबोर्ड माउस
यहाँ पे आप अपनी मॉनिटर की वीजीए केबल, इन सब केबल्स को लगाते हैं, इसी को हम बोलते हैं मदरबोर्ड। और सारे के सारे कंपोनेंट आपके कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट यहीं से जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं से यहीं से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट वन इज सीपीयू। अब सीपीयू क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। सीपीयू समटाइम वी कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो द मदर बोर्ड हाउस द मेन प्रोसेसर ऑफ द सीपीयू, यानी कि जो बोर्ड होता है हमारा, मदर बोर्ड होता है, उसमें जो मेन प्रोसेसर लगा होता है उसी को हम सीपीयू कहते हैं। इट्स फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू एग्जीक्यूट द यूजर इंस्ट्रक्शंस एंड कोऑर्डिनेट अमोंग ऑल द अदर यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि सीपीयू जो क्या करता है, सीपीयू सारे कैलकुलेशन या सारे हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको फॉलो करता है, हर एक कमांड को एक्सेप्ट करता है, उस पर वर्क करता है। और हमारे जो सीपीयू की स्पीड होती है उसको हम मेगाहर्ट्ज़ या फिर गीगाहर्ट्ज़ में नापते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेगाहर्ट्ज़ और ये गीगाहर्ट्ज़। सो नेक्स्ट वन इज पावर सप्लाई यूनिट। व्हाट इज द पावर सप्लाई यूनिट? दिस कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज द वन विच कन्वर्ट द अल्टरनेट करंट पावर सप्लाई बींग रिसीव बाई होम्स ऑफ ऑफिसर्स टू द लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट रिक्वायर्ड बाई द मशीन। दैट मीन्स कि अगर हमारा घर हो या ऑफिस हो, वहां पर क्या होता है कि अगर पावर सप्लाई एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं आती है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो हमारी करंट होता है वो एक फ्लो में नहीं होता है। अब हमारा जो पावर सप्लाई यूनिट होता है वो यही काम करता है कि उस फ्लो को स्टोर करता है और उसके बाद उसकी फ्लुएंसी को डायरेक्ट करता है कि वो जो पावर होती है वो पर्टिकुलर ऑर्डर में चलती है, एक वे में चलती है, और किस कंपोनेंट को कितनी पावर चाहिए, कितनी पावर सप्लाई करनी है, ये सारा का सारा काम जो है पावर सप्लाई यूनिट करता है। नेक्स्ट वन हार्ड डिस्क। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द कंप्यूटर सिस्टम, बिकॉज कि जब भी आप कोई भी डाटा को स्टोर करते हैं तो आपको एक हार्ड डिस्क की जरूरत हमेशा पड़ेगी। सो इट इज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि हमारी हार्ड डिस्क जो होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी होती है, और इट इज अ बोथ टाइप ऑफ हार्ड डिस्क। इट इज एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ, यानी कि ये इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। द प्रोग्राम विच इज बी एग्जीक्यूटेड इज फर्स्ट स्टोर इन द हार्ड डिस्क वेयर ट्रांसफर टू रैम, यानी कि जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद जब हमारा रैम के बाद जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो हमारी हार्ड डिस्क ही होती है, वहीं पर हमारा काम होता है। सो स्टूडेंट, इफ यू वांट टू नो हाउ हार्ड डिस्क वर्क, सो से इन कमेंट सेक्शन आई एम मेकिंग अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट्स हाउ हार्ड डिस्क वर्क। हेयर इज द सम बेसिक यूनिट टू मेजर कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क। सबसे छोटी यूनिट जो होती है हमारे कंप्यूटर की वो होती है निबल, वन निबल सॉरी बिट्स, बिट्स होती है, जो चार बिट्स होती है वो चार बिट्स एक निबल को बनाती हैं और आठ बिट्स मिलकर के एक बाइट को बनाती हैं, और 1024 बाइट्स जो हैं वो एक केबी बनाती हैं, और एक 1024 केबी एक एमबी बनाती है, और 1024 एमबी एक जीबी बनाती है, और 1024 जीबी एक टेराबाइट बनाती है, और 1024 टेराबाइट एक मेगाबाइट पेटाबाइट बनाती है, और ये सारी हमारी कैपेसिटी है मेमोरी। सो गो टू नेक्स्ट। इट इज अ कंपैक्ट डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट पॉइंट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट्स रैम। सो व्हाट इज द रैम? द मेमोरी स्टोरेज प्ले इन अ इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सीधी सी बात है कि अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और आपके पास एक ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है कि आप अपने डाटा को स्टोर कर पाओ, तो मतलब कोई बात ही नहीं बनती है। तो आपको कंप्यूटर डाटा का स्टोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास एक मेमोरी हो जिसमें रैम एक है। सो एवरी टाइम यू स्टार्ट अ कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इन द रैम, यानी कि जब भी आप किसी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसका जब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है वो सीधा कहां पे जाता है? वो जाता है हमारा रैम पे। द प्रोग्राम दैट नीड बी एग्जीक्यूटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो नीड बी टू ब्रॉट द रैम, यानी कि ये जो प्रोग्राम जो रन होना है वो सीधा का सीधा आपके रैम पे रन होता है। अब पीसी हैव
अराउंड दी डेट पीसी हैव अराउंड 832 GB रैम एंड मोर देन रैम, यानी कि आप जो पीसीज आते हैं उसमें काफी बड़ी बड़ी रैम्स आने लगी हैं। सो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। सो नेक्स्ट वन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम? फर्स्ट थिंग्स, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सॉफ्टवेयर है। हाँ, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। अब ये क्या करता है, इसका काम ही यही होता है कि हमारे सारे सॉफ्टवेयर को और सारे हार्डवेयर को पर्टिकुलर फंक्शनिंग देना, कौन सा हार्डवेयर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारे के सारे काम जो होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मीन्स ऑपरेट करना, हमारे कंप्यूटर कंपोनेंट को ऑपरेट करना, अब वो चाहे हार्डवेयरली हो या फिर सॉफ्टवेयरली हो। अब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, आपके जैसे कि विंडोज क्या है कि विंडो 8, विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8.1, विंडो XP, विंडो NT, विंडो 2000, विंडो सर्वर, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो के ही अलग अलग वर्जन हैं और ये काफी पॉपुलर है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा हमारा लिनक्स, यूनिक्स तरीके भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे फ्री इंटरनेट पर अवेलेबल है। MS-DOS भी आपका एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड सिस्टम एंड हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम, यानी कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक यूजर और हमारे कंप्यूटर सिस्टम और उसके हार्डवेयर से इंटरफेस तैयार करता है। सो इट ऑल्सो एक्ट लाइक अ गवर्नमेंट विच ले डाउन द पॉलिसीज ऑफ एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स एंड प्रोवाइड द एफिशियंस कोऑर्डिनेट अमंग द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। दैट मीन्स कि जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि हमारे गवर्नमेंट हम लोगों को देखती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर को कोऑर्डिनेट करता है, देखता है कि क्या चीज़ें सही से चल रही हैं क्या सही से नहीं चल रही हैं, क्या अच्छा है और क्या हमारे कंप्यूटर को हार्म कर सकता है, ये सारी सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। Here you see a picture, software, operating system, hardware. So user 1, user 2, user 3 and dadadas, how many users in the in one computer. So user क्या करते हैं, software पे काम करते हैं और software को कौन manage करता है, operating system, और वो कहीं ना कहीं से जाकर के हमारे hardware से related होते हैं। अब उन hardwares को क्या होता है, उन hardwares को हमारा operating system ही manage करता है। सो नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, इफ यू सी अ डिटेल्ड वीडियो ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, सो आई एम गिविंग अ लिंक इन आई बटन, ओके, सो यू गो एंड सी इट। फंक्शन इन ऑफ ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ फंक्शन इन ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, सेकेंड इज रिसोर्स मैनेजमेंट लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड मेनी थिंग्स, यानी कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट को भी देखता है, आपके फाइल मैनेजमेंट को भी देखता है, आपके मेमोरी मैनेजमेंट को भी देखता है, आपके रिसोर्स मैनेजमेंट को भी देखता है, सारी चीज़ों आपके कम्युनिकेशन को भी देखता है, तो सारी चीज़ों को वो ऑलमोस्ट मैनेज करता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पिक्चर है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर, ये फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट। सो हेयर इज द कम्युनिकेशन मैनेजर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेशन मैनेजर की तरीके किस तरीके से काम करता है भाई, अब ये क्या करता है, देखिए, मैनेज द कम्युनिकेशन नीड ऑफ द सिस्टम टू बी कम्युनिकेट विद द पेरिफेरल डिवाइसेस और द इंटरनेट आर एड्रेस बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि अब कम्युनिकेशन मैनेजर का आपने देखा होगा कि हमारे पास एक ही कंप्यूटर कई सारे होते हैं लेकिन प्रिंटर एक ही होता है, लेकिन हम किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये अपने आपके हार्डवेयर डिवाइसेस को कम्युनिकेट कर रहा है इस तरीके से, पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। ईच ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, माउस हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द कंप्यूटर नीड टू नो दीज यूनिक प्रॉपर्टीज टू इंटरेक्ट विद देम,
यानी कि ये क्या करता है कि जब भी हम कोई जैसे हार्डवेयर इनपुट करते हैं लाइक कीबोर्ड इंसर्ट कराया, माउस इंसर्ट कराया, इस तरीके की चीज़ें जब हम इंसर्ट कराते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि किसी भी सिस्टम में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को बहुत जल्दी या बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है। तो यही चीज़ होती है हमारी। नेक्स्ट वन इज रिसोर्स मैनेजमेंट। अब रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द हाउ इज रिसोर्स आर बीइंग मैनेज्ड। यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट ये देखता है कि किस तरीके से किस रिसोर्स को मैनेज करना है। द रिसोर्स दैट वी टॉक ऑफ हियर आर द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, द सीपीयू टाइम, फाइल, सेकेंडरी स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ईटीसी। यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट में जैसे आपके मेमोरी का, यानी कि हम जब भी कोई फाइल सेव करते हैं तो देखते रहते हैं कि कितनी फाइल, कितनी मेमोरी हमारी, कितनी स्पेस जो है कवर्ड हो गई, कितना फ्री है, हमारे सीपीयू का टाइम कितना ले रहा है। जब हम ज़्यादा काम करते हैं अपने सीपीयू पे, अपने कंप्यूटर पे, तो सीपीयू कहीं ना कहीं स्लो होता जाता है। तो वही चीज़, तो ये सब चीज़ें जो हैं इसका काम भी कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट। इन द लास्ट वीडियो आई एम एक्सप्लेन व्हाट इज द प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपके प्रोसेस मैनेजमेंट को भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करता है। ये देखता है कि किस चीज़ में हमें कितना प्रोसेस देना है या कितना टाइम प्रोसेसिंग के लिए लगेगा, ये सारी चीज़ें। अब आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि कई ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मेमोरी मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से काम करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि कौन सी फाइल आपने बनाई है और वो किस जगह पे सेव होगी, उसका एड्रेस क्या है। आपने देखा होगा हर एक फोल्डर, हर एक फाइल का एक यूनिक एड्रेस होता है, उस जगह पर वो फाइल आपको ऑलरेडी मिल जाती है। तो यही काम होता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट में। नेक्स्ट वन इज फाइल मैनेजमेंट। सो व्हाट इज फाइल मैनेजमेंट? ऑपरेटिंग सिस्टम टेक केयर ऑफ ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स मेंटेन ऑन द कंप्यूटर डिस्क। यानी कि वो सारे के सारे कंप्यूटर्स को, सारे फाइल और फोल्डर्स को मेंटेन करके रखता है, ये बात हमें भी पता है। द बेसिक टास्क दैट अ यूजर नीड टू परफॉर्म अ फाइल आर सर्टन रीनेमिंग, डिलीटिंग, कॉपिंग एंड मूविंग ऑर अ फाइल और अ फोल्डर। यानी कि कई बार क्या होता है कि जब हम एक फाइल को कहीं पर स्टोर करते हैं, अब उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, लेकिन उसको रीनेम करते हैं तो वो चीज़ हमारी फाइल मैनेजमेंट में आती है। डिलीट करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कॉपी या मूव करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी फाइल मैनेजमेंट में आती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट। सो नेक्स्ट वन इज अवर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दिस चैप्टर हैव ओनली 5 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बट रियल हैव 7 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इन द वीडियो यू कैन सी हु आई विल गिव ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन। सो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट इज सिंगल टास्किंग एंड मल्टी टास्किंग। यानी कि कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो आपके सिंगल टास्किंग होते हैं और कुछ होते हैं जो मल्टी टास्किंग होते हैं। जैसे आपके एम एस डॉस, इस पर एक टाइम पे आप एक ही काम कर सकते हैं, सो इन्हीं को हम सिंगल टास्किंग कहते हैं। मल्टी टास्किंग एज द नेम सजेस्ट, मल्टी टास्किंग यानी कि जिस तरीके से इसका नाम है उसी तरीके से मल्टी टास्किंग, यानी कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ कई सारे काम कर सके। जैसे आपका विंडोज है, एक साथ आप कई सारे काम कर सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर। तो जैसे कि नाम है, सिंगल यूजर क्या होगा कि आपका जैसे विंडोज 7 है, यानी कि एक टाइम पर आपका एक ही यूजर पे काम कर पाएगा। मल्टी यूजर जैसे आपका विंडोज 2000 है, विंडोज सर्वर है, यहाँ पर एक कंप्यूटर पे एक साथ 100-200 यूजर वर्क कर सकते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग सिस्टम विच इंश्योर दैट रिस्पॉन्स टाइम इज फिक्स्ड एंड कैटराइज एज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिनका एग्जीक्यूशन टाइम फिक्स होता है उनको हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट वन इज बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। कैन आई मिस एनी पॉइंट? वन सिंगल टास्किंग, नेक्स्ट वन सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर, रियल टाइम। सो सॉरी, इन योर बुक ओनली गिवन ओनली 4 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इन द वीडियो आई विल गो, सॉरी आई एम शेयरिंग विद यू, वी हैव 7 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो नेक्स्ट इज बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। व्हाट इज दिस? इन बैच प्रोसेसिंग सिस्टम सिमिलर जॉब आर क्यूब टुगेदर एंड सबमिटेड एज अ ब्लॉक टू द प्रोसेसर।
फॉर एग्जीक्यूशन, यानी कि ये जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके एक साथ कई सारे कामों को ले लेते हैं और उनको ब्लॉक बना करके अलग अलग कामों को अलग अलग तरीके से वो उस पर प्रोसेसिंग करते रहते हैं। इनको बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। सो स्टूडेंट, हेयर इज द योर एक्सरसाइज। सो आई एम ऑलरेडी गिवन इन द नोट। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू गाइज़।